हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज हम वचन से एक नई शिक्षा को प्राप्त करेंगे और आज जिस वचन पर मैं आप सभी के ध्यान को केंद्रित करना चाहती हूँ वो इस विषय पर आधारित है कि हमें समय और असमय परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, इसलिए जब आप दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे वहाँ इस प्रकार से लिखा है, वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर के वचन का एक प्रचारक बनाया है, एक एम्बेसडर, एक दूत बनाया है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, हमारे भारतीय देश का भी एक एम्बेसडर होता है, एक राजदूत होता है जो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दूसरी जगह पर, दूसरे देश में। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे और आपको भी इस पृथ्वी पर, जब मैं और आप एक यात्री हैं, एक परदेशी हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा वो स्वर्गीय देश स्वर्ग है, हमारा हमेशा का वो देश जहाँ पर हमें जा कर के रहना है वो स्वर्ग है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे वचन के एक प्रचारक के रूप में खड़ा किया है। मेरे प्रियो, लेकिन कई बार हमारी परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है हम इस वचन का प्रचार नहीं कर पाते हैं। हमारी जो परिस्थितियाँ कई बार ऐसी बन जाती हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अब इस समय पर अब कुछ नहीं हो सकता है, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे और आपके जीवन में जब मुझे और आपको लगे कि इस समय पे मैं कुछ नहीं कर सकता, उस समय पे परमेश्वर मुझे और आपको बुलाहट देता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। मेरे प्रियो, हम बाइबल में से निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 29 और 30 वचन। जब आप पढ़ेंगे वहां पर फिलिप्पुस के बारे में लिखा है, परमेश्वर फिलिप्पुस से कहता है कि तू उठ और तुझे जाना है और एक वचन को बताना है। और फिलिप्पुस जो है वहां पर जाता है और जब वो जाता है तो उसने देखा कि वहां पर एक रथ जो था वो जा रहा था और रथ के पीछे फिलिप्पुस दौड़ता है और फिलिप्पुस देखता है कि उस रथ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो एक वचन को पढ़ रहा था और जो वचन का भाग वो पढ़ रहा था वो यशया 53 में मिलता है। मेरे प्रियो, जब फिलिप्पुस वहां पर उस व्यक्ति से जो खोजा था वहां पर उससे बात करने लगा, तब फिलिप्पुस ने पूछा कि जो वचन तू पढ़ रहा है क्या तुझे समझ आ रहा है। तब फिलिप्पुस से खोजा कहता है कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर वहां पर फिलिप्पुस को एक बुलाहट देता है। मैं नहीं जानती फिलिप्पुस को जब परमेश्वर इस रथ के पीछे जाने का बोला या फिलिप्पुस उस समय पे क्या काम कर रहा था, मुझे नहीं मालूम फिलिप्पुस किन कामों में व्यस्त था उस टाइम पर, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे वचन का प्रचार करना है, मेरे प्रियो, वो वहाँ पर गया। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि समय और असमय हमें तैयार रहने के लिए एक बात हमेशा याद रखना है कि मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला एक व्यक्ति बनना है। अगर मान लीजिए फिलिप्पुस वहाँ परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाता, समझ नहीं पाता, तो उस खोजे का हृदय कभी बदल नहीं पाता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी, वो जो खोजा था वो एक दूसरे देश से, कूश देश से आया हुआ था और हम जानते हैं कि क्योंकि वो एक खोजा था इसलिए उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर उसके हृदय को जानता था और इसलिए खोजे को परमेश्वर ने अवसर दिया। परमेश्वर जानता था कि खोजा जो परमेश्वर के भवन तक, यरूशलेम तक आया होगा, उसका आना व्यर्थ है अगर वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन नहीं पाया, और इसलिए परमेश्वर ने वहां पर उस खोजे के छुटकारे के लिए, मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको कई बार किसी एक व्यक्ति के लिए भेज सकता है, पर मुझे और आपको तैयार रहना है, उसकी आवाज को सुनने वाला बनना है। मेरे प्रियो, जब हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों का काम आप 16 अध्याय उसका 27 से लेकर 33 वचन तक जब पढ़ेंगे वहां पर पौलुस और सीलास का जिक्र किया गया है। पौलुस और सीलास वहां बंदीगृह में बंद थे और जब वो बंदीगृह में बंद थे मेरे प्रियो, तब वो आराधना करने लगे, तब भी उनका संबंध जो था परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, हमें कई बार लग सकता है कि हमारी परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे आपको कह रहा है कि समय और असमय हमें तैयार रहना है प्रचार करने के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमें कहां इस्तेमाल करेगा, और इसलिए पौलुस और सीलास को परमेश्वर ने उस बंदीगृह में इस्तेमाल किया, मेरे प्रियो, उस जेलर और उसके पूरे परिवार के लिए। और मेरे प्रियो, जब आप ध्यान देंगे, मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि केवल जेलर और उसका परिवार नहीं, लेकिन उस जेल में, उस बंदीगृह में जितने लोग थे, उन्होंने परमेश्वर को जाना। क्योंकि जब वो भूकंप वहां पर हुआ, एक ऐसी घटना हुई मेरे प्रियो, वहां पर सब ने जान लिया कि पौलुस और सीलास का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब वो भूकंप हुआ और जो जेलर था वहां पर, उसने सोचा कि अब इस भूकंप के कारण सब लोग भाग गए होंगे, लेकिन उस समय पर परमेश्वर ने पौलुस और सीलास को इस्तेमाल किया कि उन्होंने उस बात को कहा कि हे जेलर, तू अपने आप को घात मत कर, तू अपने आप को नाश मत कर, क्योंकि हम में से कोई यहाँ पर नहीं भागे हैं। मेरे प्रियो, इस एक आवाज़ ने उस जेलर को आत्महत्या करने से बचा लिया। आप सोचिए, कई बार मेरी और आपकी एक आवाज़ कई बार कई लोगों को एक गलत निर्णय लेने से बचा सकती है। पर मुझे और आपको परमेश्वर की वो आवाज बनना है। मुझे और आपको परमेश्वर की वो आवाज को सुनकर हमारी कठिन परिस्थिति में भी मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज बनने के लिए तैयार रहना है। अगर आप अपनी कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की आवाज बनने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर कई परिवारों को आपके द्वारा बचा सकते हैं। हमने वहां पर पहले देखा प्रेरितों के काम का वचन जो हमने पढ़ा, वहां पर परमेश्वर ने फिलिप्पुस को एक व्यक्ति के लिए खोजे के लिए इस्तेमाल किया मेरे प्रियो। और यहां जब हमने देखा परमेश्वर ने पौलुस और सीलास को जेलर के लिए और जेलर के उस पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे कभी ना कभी किसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेगा, या हो सकता है कभी एक परिवार के लिए इस्तेमाल करेगा। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे और जब आप प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय का 40 और 41 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखिए पत्रस के बारे में जिक्र किया गया है। हम जानते हैं पत्रस जो परमेश्वर के करीब रहा, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात मेरे प्रियो, वो वापस परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर के अपने पहले काम में लग गया। वो ये भूल गया कि मैं किसके लिए बुलाया गया हूँ। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के वापस लौट आया, लिखा हुआ है कि जब वो प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, जब वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ बन गया मेरे प्रियो, जब उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में सुन लिया, उसके बाद जब वो खड़ा हुआ मेरे प्रियो, 3,000 लोगों ने वहाँ पर प्रभु को अपना जीवन देकर के बपतिस्मे को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की अगर आप आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को जगह देने के लिए तैयार है, और अगर आप परमेश्वर की आवाज़ बनने के लिए तैयार है, तो मेरे प्रियो, कभी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपको एक बड़े समूह के लिए इस्तेमाल करे। 3,000 लोगों के लिए वहाँ पर परमेश्वर ने पत्रस को एक आशीष का कारण बनाया। क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनने के लिए? मेरे प्रियो, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे और जब आप योना उसका 3 अध्याय 5वां और 6वां वचन और 11वां वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर हम योना को देख सकते हैं, जिसने परमेश्वर की आवाज़ को तो सुना, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अनसुनी करके एक दूसरी दिशा में चला गया। कई बार मेरे और आपका जीवन भी ऐसा है, हम परमेश्वर की आवाज़ को तो सुनते हैं, लेकिन हम उसे अनसुना करके अपने तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। मालूम है आपको क्या हुआ? जब योना ने अपना तरीका इस्तेमाल किया, वो फेल हो गया, वो हार गया। मेरे प्रियो, कई बार मैं और आप अपने जीवन में हार जाते हैं, लेकिन हार के बाद भी अगर हम फिर से परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक ऐसा कार्य करने को तैयार है जिसकी शायद आपने और मैंने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रियो, योना एक ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रचार से नीनवे बदल गया। मेरे प्रियो, हमने देखा फिलिप्पुस के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन को बदला, पौलुस और सीलास के द्वारा परमेश्वर एक परिवार को बदला। मेरे प्रियो, जब पत्रस प्रचार करने खड़ा हुआ, तब एक बड़ा यहूदी समूह वहां पर बदल गया। लेकिन यहां हम योना को देखते हैं, योना जब प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, जब वो गिर गया और गिर के उठ गया और परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, हम देखते एक पूरा देश वहां पर बदल दिया गया। मेरे प्रियो, एक देश ने मन फिराव कर लिया। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन करके परमेश्वर की आवाज बनने के लिए तैयार है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको एक देश के लिए ही नहीं, एक पूरे संपूर्ण विश्व के लिए एक बदलाव का कारण बनाने के लिए तैयार है। क्या आज आप और मैं इस बात के लिए तैयार हैं?
क्या आज आप और मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार है? क्या आज आप और मैं परमेश्वर की वो आवाज बनने के लिए तैयार है जिसके द्वारा परमेश्वर इस देश में, इस समाज में, हमारे परिवारों में और किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी एक बड़े कार्य को करने के लिए सक्षम है? मेरे प्रियो, अगर आप और मैं तैयार है तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।